अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो कोर आईडी का नया एयर ड्रॉप आया है सीआईडी के नाम से, जिसका कोर ब्लॉकचेन पे एक नया टोकन है सीआईडी कोर आइडेंटिटी के नाम। जिस तरह हमारे पास वेब थ्री की आइडेंटिटी है, सेम इसी तरह कोर आईडी भी आपको वेब थ्री की आइडेंटिटी डोमेन्स फ्राहम करता है। तो बिना देरी के हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने कीवी ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। कीवी ब्राउज़र में आपने मेटामास्क की एक्सटेंशन लगा लेनी है। सिंपल यहाँ पर मेटामास्क एक्सटेंशन लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पे पहले लिंक आ गया मेटामास्क का। ये आप ये कर लें, ये दर्ज कर लें, जहाँ से मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी। मैं बेस्ट ये गूगल वाले ही करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दे देता है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद ये ऊपर लिखा आ जाएगा। ये देखें, ये आपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। सिंपल क्लिक कर देना इस पर। इसके बाद आपने ये मेरा लोवर, अच्छा, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये चेकिंग पे आ रहा है, ये डाउनलोडिंग होने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखा, डाउनलोड होने के बाद ये मेरा ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगा आपका एक्सटेंशन। अगर आपका ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होती, तो आप सिंपल यहाँ पर ये जो ऊपर थ्री लाइन्स है ये वाले, इन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये नीचे जाएंगे, ये यहाँ पे लास्ट पे आपको आपको मैटर बस शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने आप न्यू वॉलेट बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट या जो भी वॉलेट बना वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ, मैं सिंपल इंपोर्टिंग सेक्शन पर क्लिक करूँगा। सिंपल नीचे आना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो अपनी फेस की डाल लेनी है, जो आपके ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट की जो भी वॉलेट की है, ठीक है। मैं वो पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने कीज पेस्ट करने के बाद सिंपल मैं ये कन्फर्म सिगरेट का भी फ्रेज पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगे, आपने वो डाल देना है। तो पासवर्ड लगाने के बाद सिंपल आप इंपोर्ट माई वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली इधर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर गोडेट पर क्लिक कर देना है, ये नेक्स्ट, फिर डन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो सिंपली आपको ये आपने इस पर क्रॉस कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका सक्सेसफुली वॉलेट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन हमने जो एयर ड्रॉप क्लेम करना है वो हमारे पर बेसिकली कोर का है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर ये जो है ना, यहाँ से एक नया टैब ओपन कर लूँगा। ये मिसी टैब में आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्कैन डॉट कोर डॉट डॉट ओवर। ये सेम आपने ये वेबसाइट आपने इस पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस पर आपने चले जाना है। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ किस तरह आप जो ना ये जो कोर है या ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये कोर की ओरिजिनल वेबसाइट है, मतलब कोर का स्कैनर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर के प्राइस, सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह सब कुछ हो जाएगा, लास्ट ब्लॉक वगैरह, ठीक है। तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, इनके जो है लास्ट पे चले जाना है, एंड पे वेबसाइट को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कोर नेटवर्क, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो एक्सटेंशन, इसमें ऑटोमेटिकली ये एक ट्रांजैक्शन लोड कर देगा। अगर नहीं होता तो गेन आपने यहाँ पे ये थ्री लाइन्स पे क्लिक करके वो अपना मेटामास्क ओपन कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद आपने स्विच पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो ना वो वॉलेट जो ब्लैंक हो गया। आप सिंपल लिखा कैंसिलेशन, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तीन लाइनों पर। इधर क्लिक करने के बाद अगेन आप लास्ट पर मेटामास्क पर क्लिक करोगे। इसमें आने के बाद आप देखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ जो कोर नेटवर्क है ना वो ऐड हो चुका होगा। तो ये फर्स्ट टाइम करेंगे, आपको सामने इस तरह एडनेट्स वगैरह आएंगे ना, सिंपल आप क्रॉस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ऑलरेडी 0.15 कोर का बैलेंस है। आपने ये कोर ले लेना है, ठीक है। कहाँ से लेना है, आप एक्सचेंज से ले सकते हैं, अगर आपको कोई जानने वाला उससे ले सकते हैं। सिंपल आपने आपने कोर चाहे तो ये वाला एड्रेस है ना, यहाँ से आप कॉपी करके ना जिसको जिससे चाहिए या जिस एक्सचेंज से ले रहे हो वहाँ पर हमें यह एड्रेस दे देना, ठीक है। अब अगला काम आता है से वो जो एयर ड्रॉप क्लेम कैसे करना है। अच्छा, ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने नीचे चले जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपने LFG स्लैब ये जो है ना इस पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये आप तब भी कर पाऊँगा जब आपके पास मिनिमम 0.15 कोर होंगे, ठीक है। आप डिपेंड करता है आप पे, आप जितना ज़्यादा करने चाहें, लेकिन मिनिमम 0.15 कोर चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोर जो है ना वो स्वैप करेंगे हमारे CID टोकन में। सिंपल आप यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर दें, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर थ्री लाइंस पे जाओगे, वहाँ पे आपके एक्सटेंशन उसमें एक ट्रांजेक्शन जाएगी, वो अप्रूव कर देना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक ट्रांजेक्शन आई है, मैं सिंपल ये मेटामास्क पे क्लिक कर देता हूँ और ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। मैं इसे कनेक्ट की एक आ जाएगी, मैं इसे नेक्स्ट करके कनेक्ट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है।
कनेक्ट पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हो रहा है कि आपका जो वॉलेट है कनेक्टेड है वेबसाइट के साथ। सिंपल वापस आप मुझे उस वेब पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे देखें सक्सेसफुली अब मेरा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरा बैलेंस भी शो हो रहा है। मैं सिंपल जो स्वैप करूँगा 0.12 को, ये देखें इसके मुझे मिल रहे हैं 14.994। ठीक है, मैं सिंपल स्वैप पे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे कन्फर्म स्वैप। तब अगेन आपने ऊपर ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अगेन एक्सटेंशन में आपका जो मेटामास्क उसमें एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी, वो हमने कन्फर्म कर देनी है या अप्रूव कर देनी है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये ट्रांजैक्शन आ चुकी है। यहाँ पे मैं सिंपल जो है नीचे ये कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो स्वैप की लग चुकी है, ये थोड़ी सी वेटिंग में लग जाती है। तो थोड़ा टाइम लगने के बाद ये मेरी ऑटोमेटिकली जो है ना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ इसी पेज पे। ये देखिए मेरी स्वैप है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और ऊपर से मेरा बैलेंस भी कट चुका है। अगेन अब मैं उसी वेबसाइट पे चला जाऊंगा जो मेरी स्वैप वाली थी। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। अब सिंपल आपने यहाँ पे करना ऐड CID टू वॉलेट, आप जो टोकन है ये भी वॉलेट में ऐड कर लेंगे। इनकर मैं इधर क्लिक करूँगा, अगेन आपने वॉलेट ओपन कर लेना है और वॉलेट में जिस तरह आपने कोर ऐड किया था इस तरह सेम आपने ये वाले भी ऐड कर लेना अपना CID टोकन। तो यहाँ पे देखें वो मेरा बैलेंस शो कर रहा है, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड टोकन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम वापस जाएंगे वही वाले जो फर्स्ट वेबसाइट ये वाले। ठीक है, अब वही वाला लिंक आपके सामने और होगा। ठीक है, सिंपल आपने ज्वाइन इवेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर जो है ना ये वाला कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो एक्सटेंशन इसमें एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी वो आपने अप्रूव कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपने नेक्स्ट कनेक्ट कर देना है। अब आपका जो वॉलेट है ये LFG स्वैप के साथ इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस स्वैप क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो आपका जो कनेक्ट वाला ऑप्शन है वो गायब हो चुका है और अगर आप नीचे जाओ तो आपके वॉलेट में जितने CID हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल ये जो इवेंट पर क्लिक कर देना है। मैं जो इवेंट पर क्लिक करूँगा, अगेन आपने ये थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ये थोड़ी सी फीस लगेगी आपको इवेंट ज्वाइन करने के लिए, वो आपने दे देनी फीस। ठीक है, इसे तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर ले। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी मतलब डॉलर से एक रुपये ही फीस नहीं लग रहा। डॉलर में देखा जाए तो 0.00, लेकिन कोर में देखा जाए तो 20 के बाद आपको 23 लग रहा। मैं सिंपल कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी इन्वाइट वाला है वो जा रहा है, मतलब जो फीस है वो कट रही है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सक्सेसफुली इनवाइट वाला हो चुका है। अब सिंपल आप अगेन उसी टैब पे चले जाएंगे जिस टैब पे आपका था। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आपको उन्होंने एक रेफर लिंक दे चुका है। ये आपका रेफर लिंक रहेगा जिससे आप दोस्तों को इनवाइट करोगे। आपने जो कम अज़ कम 3 से ज़्यादा लोग इन्वाइट कर लें, अब जितने ज़्यादा लोग इन्वाइट करेंगे उतने हिसाब से आपको यहाँ पर टोकन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो क्लेम CID ये आप तभी कर पाओगे जब ये इवेंट ऑन जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ऊपर लिखा हो रहा है राउंड टू इवेंट इज़ नॉट ओवर येट। तो जैसे ही ओवर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे क्लेम भी क्लिक करोगे तो आपको CID टोकन मिल जाएंगे। वो अगेन आप LFG स्वैप पे जाकर उसे कोर में चेंज कर देना और कोर को आप सेल करके डॉलर में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं बता दूँ। सिंपल आपकी जो IP है ना वो डिटेक्ट हो जाएगी अगर आपने एक ही IP से मल्टीपल अकाउंट बनाने की कोशिश की या एक ही मोबाइल में मल्टीपल आपने अकाउंट से इसको क्लेम करने की कोशिश की तो आपके सारे अकाउंट बैन हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने किसी को इनवाइट करना तो आपके अपने अकाउंट में मिनिमम 10 CID होंगे। अगर आप इनवाइट करते हो लेकिन आपने खुद CID बाय नहीं किए होंगे तो आप इस ईयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगला है कि ये आपको ईयर ड्रॉप कैसे मिलेगा, वो फार्मूला बताया हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है आपने अपने ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपल से मैं बात बता देता हूँ। आपने जैसे ही ज्वाइन कर लिया ना तो आपने इनके जो ये तीनों ट्विटर है ना ये आपने तीनों को फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये अपने रियल अकाउंट से करना है। उसके बाद ये दो ट्वीट से नहीं आपने रीट्वीट कर देने हैं, जो भी ट्वीट है वो कर देना है। उसके बाद बाकी अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड है तो वो भी आप इनके दोनों तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही टास्क और कुछ नहीं करना है, लेकिन अगेन वो बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम विल परफॉर्म चीट एनालिसिस बेस्ड ऑन IP। अपनी IP को आपने सेव रखना, मतलब आपने एक मोबाइल पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाने। तो होप सो आप सबको समझ आएगी। क्योंकि थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।